एवरीवन, आज मैं आपको पेंटिंग का एक बहुत ही सुंदर आइडिया बताने वाली हूँ, जिससे आप लोगों की पेंटिंग बहुत सुंदर तरीके से बनेगी और आप लोगों को बहुत अच्छी भी लगेगी, है ना। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कंट्रास्ट कलर यूज़ करना है ना, फ्लोरोसेंट, अच्छे ब्राइट ब्राइट कलर। देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा है, पहले लाइट ब्लू कलर लिया है और उसको फ्लैट ब्रश की सहायता से शीट पे फैला रही हूँ। इस शीट पे मैंने क्या करा है, स्पार्कल टेप लगा के उसको थोड़ा सा चिपका दिया है ना, ताकि वो हमारी जो शीट है वो इधर से उधर ना जाए। अब देखो, एक तरफ मैंने कम करा है और एक तरफ थोड़ा ज़्यादा ब्लू कलर करा है। अब मैं यहाँ पर येलो कलर ले रही हूँ और येलो कलर को ब्लू कलर में हल्का सा ऐसे मर्ज कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर टेक्निक है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है ये पेंटिंग। देखो हमने यहाँ पे क्या करा, येलो कलर लिया और उसको जो हमने ब्लू कलर करा था उसमें हल्का सा मिक्स कर दिया। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर ले रही हूँ और ऑरेंज कलर को भी जो हमारा येलो कलर था उसमें ऐसे मिक्स कर रहे हैं। अभी देखो मैंने ब्रश धोया नहीं है ना, उसी ब्रश की सहायता से मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये कलर लगाते जा रही हूँ। अब जो हमने ऊपर की तरफ जो कलर करा था वही हम लोगों को नीचे की तरफ करना है, जैसे कि मिरर इफेक्ट होता है ना, वैसे का वैसे। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर लगा दिया और यहाँ पर जो हमारा ऑरेंज कलर था उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं नीचे तक लेकर आई हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत सुंदर सीनरी बना रहे हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ फ्लोरोसेंट कलर का यूज़ कर रहे हैं, ब्राइट ब्राइट, है ना। देखो यहाँ पे मैंने जो जगह छोड़ रखी है ना, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सन बनाएंगे, ठीक है। तो सन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया और रेड कलर को ऐसा मैंने सेमी सर्कल बना लिया उसका। देखिए आप लोग चाहे तो पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेमी सर्कल मैंने बनाया और आधे हिस्से में मैंने क्या करा, रेड कलर करा है और आधे हिस्से में मैं क्या कर रही हूँ, ऑरेंज कलर कर रही हूँ। देखो कितना सुंदर सा इसका इफ़ेक्ट आ रहा है ना, जो सूरज की लालिमा रहती है ना, हम लोग उसी को यहाँ पे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पे मैंने ऑरेंज और रेड कलर दोनों को एक ही ब्रश में ले लिया है और उसको ऐसे जिगजैग करते हुए फैला रही हूँ, जैसे मैं पानी में इम्प्रेशन आता है ना, वैसे नदी में या कहीं समुद्र में, ऐसे आपने देखा होगा सनसेट होता है तो जो सूरज की रोशनी रहती है वो ऐसे फैल जाती है। देखिए है ना कितना सुंदर इसका इफ़ेक्ट आने लगा। अब हम लोग यहाँ कॉर्नर पे देखो ब्रश को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के इसको मैंने ऐसे लंबा ऐसे फैला दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ब्लैक कलर से जो भी हमको डिज़ाइन बनाना है वो बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर सीनरी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे खजूर का पेड़ बना रही हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, ब्लैक कलर को ऐसे लेके हल्का सा ऐसे फैला दिया। तो देखिए ये हमारी ज़मीन का इफेक्ट आ गया है ना, ये जो पेड़ है उसको आप पेंसिल से भी बना सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर ब्रश से बना रही हूँ। देखो और ब्रश से मैंने यहाँ पर एक लंबी सी लाइन खींची, ये मैं नारियल का पेड़ बना रही हूँ ना। अब उसकी पत्तियों के लिए ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कलर लिया मैंने ब्रश में और ब्रश का जो कलर था उसको पूरा अच्छे से हमने साफ़ कर दिया है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हल्का सा ड्राई ब्रश का इफ़ेक्ट देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे ब्रश रखा और उसको ऐसे हल्का हल्का ऐसे खींच दिया है बाहर की तरफ, तो कॉर्नर पे डार्क और बाहर की तरफ लाइट इफेक्ट आ रहा है। देखिए कितना सुंदर इसमें पत्तियों का इफेक्ट आने लगा। ऐसे ही दूसरी तरफ भी आप लोगों को बनाना है। देखिए कितनी प्यारी ये पत्तियाँ लगने लगी,
और कंट्रास्ट पीछे हम लोग का कलर है उसके ऊपर ब्लैक कलर का इफेक्ट कितना अच्छा आ रहा है ना। देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये पेंटिंग बना के तैयार रख रखी है, देखिए ध्यान से कितनी प्यारी लग रही है, है ना। ऐसे आप लोग पेंटिंग बनाइए और यहाँ पे देखिए बीच बीच में मैंने क्या करा है, वाइट कलर को छोड़ दिया है, तो आप लोग भी चाहें तो ऐसे वाइट कलर को छोड़ सकते हैं या फिर वाइट कलर को ऊपर से कर सकते हैं जब कलर सूख जाए तब। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये सीनरी, है ना। ऐसे ही आप लोग चाहें तो यहाँ पे ये ऐसे मल्टी का इफेक्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक और वुमन फिगर बनाए है ना, तो आप लोग बनाइए अच्छी सुंदर सुंदर पेंटिंग, ठीक है। ओके।